हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक बहुत शॉर्ट सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि जो AFI लेवल होता है, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स, आप हमेशा अपने रिपोर्ट पे देखोगे, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे एक AFI आएगा, उसके आगे कुछ भी डिजिट होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो पूरा सैक जो होता है हमारा, जिसके अंदर बेबी रहता है, उसके आसपास का जो फ्लूड होता है उसको AFI कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स, ठीक है ना। आपको उसको मेंटेन करके रखना होता है। देखो, बाकी तो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, बट आप लोग अपनी तरीके से पूरी कोशिश करो कि आप उसको मेंटेन करके रखो। उसके लिए क्या करना है, आपको लिक्विड इंटेक बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि जब मैंने बहुत अच्छा लिक्विड इंटेक लिया था, लेकिन लास्ट में क्या हो गया था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबर्स हो जाते हैं, कम नहीं होना चाहिए, 7-8 बहुत कम होता है, आपको बहुत दिक्कत हो जाती है डिलीवरी में, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो भी बेबी के लिए दिक्कत होती है, बहुत कम हो जाए तो भी बेबी के लिए दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप लोग नॉर्मल जूस ले सकते हो, जो फ्रेश जूस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पैकेट का तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। आप लोग जूस ले सकते हो, आप लोग ठीक है, आप लोग कोकोनट वाटर ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, फ्रेश जूस ले सकते हो। वाटर इंटेक अपना बहुत अच्छा रखो। देखो, यूरिन का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका बेबी ग्रो करता है, बेली बढ़ती है, तो जैसे जैसे प्रेशर बनता है वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में, हर 15-20 मिनट में आएगा। तो टेंशन मत लो, उससे ये नहीं है कि आप इस चक्कर में पानी कम पियो, पानी आपको प्रॉपर फ्लूड लेना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, और जो AFI लेवल होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, आप लोग क्या ले सकते हो। फ्रेश जूस बहुत अच्छे होते हैं, सीजन के हिसाब से फ्रेश जूस लो। अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप लोग गाजर, चुकंदर, इन सब का जूस ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करो। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप लोग वीडियो सबकी देखो, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट एडवाइस आप लोग लोगे वो हमेशा अपनी गायने की लोगे, क्योंकि उससे बेटर कोई नहीं जानता आपका केस कैसा है, क्या चल रहा है, इसलिए वीडियोस हम लोग देखते हैं, मैंने भी बहुत देखी हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा आप लोग अपनी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करेंगे। मेरी सारी प्रेग्नेंट लेडीज से रिक्वेस्ट है, एंड स्ट्रेस मत लो, इन्जॉय करो इस फेज को, और अपना अपना ध्यान रखो, बेबी से बात करो, खुश रहो, जैसा आप करते हो बेबी भी वैसा वैसा फील करता है, ठीक है, एंड ये एक्चुअल भी होता है, मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके जो भी कॉमेंट्स हैं, जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए वो आप मुझे बताना, मैं शॉर्ट क्रिस्प वीडियोज़ डाला करूँगी, तो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो, एंड फटाफट पॉइंट्स वाली, तो आप लोग मुझे टॉपिक्स बता देना कि मैम मुझे इस टॉपिक पे हमें चाहिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।